हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स। और आज के इस लेक्चर में हमने जो कि लीनियर अल्जेब्रा की एक सीरीज हमने स्टार्ट की, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है पिवट एलिमेंट, पिवट पोजीशन एंड पिवट कॉलम। और इसके साथ साथ हम जो है फ्री वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, और फ्री वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल से हम किसी सिस्टम को कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पिवट पोजीशन। तो पिवट पोजीशन बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, उसको एचिलॉन फॉर्म में सॉल्व करने की बात करते हैं, तो एक बहुत ही बेसिक और कह लें कि फेमस तरीन जो एक डेफिनेशन है वो हमारे अंडर कंसिडरेशन आती है, वो क्या है? पिवट पोजीशन। अ पिवट पोजीशन इन अ मैट्रिक्स ए इज अ लोकेशन दैट क्रॉसपॉन्ड्स टू अ लीडिंग वन इन द रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए। हमारे पास जब भी कोई एक मैट्रिक्स ए होता है, उसमें एक पिवट जो पोजीशन है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है हमारे मैट्रिक्स के अंदर, जो कि लीडिंग, हमें जो लीडिंग एंट्री होती है रो में, उसकी एक एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम उनको उस एक स्पेसिफिक पॉइंट को पिवट पॉइंट कहते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है इसको एग्जांपल भी लेंगे। और अगर किसी रो के अंदर पिवट पोजीशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो वो जो कॉलम होगा जिसमें पिवट एलिमेंट होगा वो पिवट कॉलम कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट कॉलम इज अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए दैट कंटेन्स अ पिवट पोजीशन। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम डायरेक्टली, मैं आपको जो है वो एग्जांपल में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, तो हम डायरेक्टली एग्जांपल को फॉलो करेंगे और आपको इससे अच्छे से समझ लग जाएगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, जो कि एग्जांपल में है कि रिड्यूस मैट्रिक्स ए इंटू एचिलॉन फॉर्म एंड लोकेट द पिवट पोजीशन। तो हमने एक मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ ही में उसकी पिवट पोजीशन को लोकेट करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो कि आपके सामने है, और हमने देखना, अब सबसे पहले तो हमने इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पिवट एलिमेंट्स भी बेसिकली एचिलॉन फॉर्म, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पिवट पोजीशन जो हैं वो हमारे सामने वाजिया होती जाएंगी कि कौन कौन सी पिवट पोजीशन हैं। तो हम सबसे पहले, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमें पता है, मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी कभी हमारे पास फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो हो, तो हमने इस रो को किसी दूसरी रो के साथ रिप्लेस करना होता है। तो हम इस रो वन को रो फोर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम ये जो रो फोर है इसको हम रो वन की जगह पे लिखेंगे और रो वन को रो फोर की जगह पे, इससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हमने मैंने ऑपरेशन लिख दिया है कि रो वन को रो फोर से चेंज किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अब मुझे या इसको एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट रो है उसमें यहाँ पर हमारे पास जो पिवट एलिमेंट है वो ये वन है। हियर वन इज पिवट एलिमेंट। इस स्टेज पे जहाँ तक जब हमने सॉल्व किया, तो यहाँ तक जो हमारे पास पिवट एलिमेंट है वो वन है, और पिवट कॉलम जो है वो ये वाला कंप्लीट कॉलम वन जो है ये पिवट कॉलम भी साथ साथ कहलाएगा। और पिवट एलिमेंट क्या है? वन। और हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इसका मतलब है कि लीडिंग एंट्री जो होती है उसके नीचे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो, जो कि एचिलॉन की प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए मैंने जो ऑपरेशंस किए हैं वो ये है कि मैंने रो टू में रो वन को ऐड कर दिया है, कि रो टू में रो वन को, ये मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कर रहा हूँ जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, कि हमने वो रो ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं अपने मैट्रिक्स पे। तो और साथ ही में मैं एक ही स्टेप में मैं रो थ्री ये वाली है मेरी, इसमें 2R1 प्लस करूंगा, मतलब रो वन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं रो थ्री में ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। तो अब देखिए यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ रहा है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी जीरो था। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पिवट एलिमेंट था वो वन है, उसके नीचे सारे जीरो बन गए। अब मेरा नेक्स्ट रो के अंदर जो पिवट एलिमेंट है वो है टू।
तो यहाँ पे मेरे पास टू क्या है, टू इज अ पिवट एलिमेंट, और ये वाला पूरा कॉलम भी क्या है, पिवट कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर भी पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये भी मेरे पास कॉलम क्या है, पिवट एलिमेंट है, ये पिवट कॉलम है, और ये भी पिवट कॉलम है। तो अब मैं यहाँ पर टू लूंगा, क्योंकि मैंने रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में नॉट करना है, तो मुझे ये दोनों जीरो करने हैं। इन दोनों को जीरो करने के लिए जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा वो मेरे पास ये है कि मैंने आर थ्री को आर थ्री में माइनस किया फाइव बाई टू आर टू, एंड आर फोर माइनस थ्री बाई टू आर टू। तो आर फोर में मतलब मैंने ये चीज़ जो है वो जस्ट सिंपली मैंने इसको ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई किया। उसके बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला है, उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मेरे पास टोटली ज़ीरो आ गए हैं, यहाँ पे मेरे पास टोटली ज़ीरो आ गए हैं। तो अब मैंने देखा जो मेरी रो थ्री थी वो टोटली ये ऑपरेशन अप्लाई करने से, ये टोटल जो रो है ये आप साथ साथ खुद भी अप्लाई करते रहें, आप वीडियो को पॉज करके इसको साथ साथ खुद करेंगे तो आपको ज़रा अच्छे समय लगेगी। यहाँ मैंने वीडियो में जस्ट एक्सप्लेन किया है, तो आप साथ साथ खुद जब करेंगे तो आपको ज़रा बेहतर समय लगेगी। तो इससे क्या है कि रो थ्री जो है वो टोटली जो है वो ज़ीरो रो बन गई है, वो क्या है, ज़ीरो रो। तो जब भी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी हमारे पास जो एचलन फॉर्म में देखा था हमने कि अगर जीरो रो हो तो उसको हम सबसे एंड पे ले जाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जीरो को सब जीरो रो को सबसे एंड वाली पोजीशन में ले जाएंगे और इसको ऊपर ले आएंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमने रो थ्री और रो फोर को आपस में इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास एक फॉर्म बनी है वो ये बनी है। यहाँ पे हमारे पास ये भी पिवट पोजीशन है, ये भी पिवट पोजीशन है, ये भी पिवट पोजीशन है, तो ये तीन पिवट पोजीशन है टोटल हमारे पास जो है वो एक गिवन मैट्रिक्स में जो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मिला है। पिवट एलिमेंट बेसिकली लीडिंग एंट्री होती है आफ्टर एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, हर रो की नॉन जीरो लीडिंग एंट्री वो पिवट पोजीशन कहलाती है। अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पिवट पोजीशन बेसिकली जब किसी मैट्रिक्स को हम एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद हर रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो पिवट एलिमेंट होता है, और पिवट एलिमेंट जिस जिस कॉलम में होता है उसको पिवट कॉलम कहते हैं। जैसे कि कॉलम वन भी, ये भी पिवट कॉलम है, ये भी पिवट कॉलम है, और ये भी पिवट कॉलम है, बाकी ये दोनों कॉलम थ्री और कॉलम फाइव वो पिवट कॉलम नहीं है। तो ये तो हमारे पास पिवट कॉलम और पिवट जो है वो पोजीशन या पिवट एलिमेंट या पिवट पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी मैट्रिक्स को अगर आपको ये कह दिया जाए कि इसी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो होता ये है कि जिस जिस जगह पे हमारे पास पिवट होता है, हमने अगर हमने इसी मैट्रिक्स को, यहाँ तक ये मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन फॉर्म में है, लेकिन अगर हमने इसको रिड्यूस में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली हमें ये करना है कि हमें देखना है कि हमारा जो पिवट एलिमेंट है, जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट है उस कॉलम में जस्ट वही एलिमेंट रहे, बाकी सारे जीरो हों। तो यहाँ पे क्या है, उसके साथ साथ पिवट एलिमेंट वन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कॉलम में पिवट एलिमेंट टू है, तो इससे हम क्या क्या करेंगे, जो बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इस कॉलम में उन्हें जीरो करना पड़ेगा। इट मींस कि हमें इस फोर को जीरो करना पड़ेगा, और इस कॉलम में तो पिवट एलिमेंट नहीं, तो इसको चाहे ऐसे ही छोड़ दें रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इस कॉलम में जो है वो पिवट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें जो इस कॉलम के अंदर पिवट के अलावा बाकी दोनों पॉइंट्स हैं इनको क्या करना है, जीरो करना है। तो जब ऐसा कर लेंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस एचिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ साथ में हमें ये माइनस फाइव और टू को वन बनाना है। तो वो तो सिंपली हम अगर इसको रो टू को टू पे डिवाइड कर दें तो यहाँ वन आ जाएगा, और रो थ्री को अगर फाइव पे माइनस फाइव पे डिवाइड कर दें तभी भी वन आ जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको फर्दर बता दिया, आप इसको एज अ होम असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना लगे तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आगे हम चलते हैं इस टॉपिक के बाद, ये पिवट के मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी जो है वो कमेंट में मेंशन कर दूंगा जो आपने बुक से करनी है, और डेविड सीले की बुक से कुछ एक्सरसाइज हैं उसमें ये क्वेश्चंस पिवट एलिमेंट फाइंड करने करने की एक्सरसाइजेज हैं वो आपने खुद करनी है। लेकिन उससे आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक वेरिएबल एंड प्री वेरिएबल्स।
बेसिक वेरिएबल्स एंड फ्री वेरिएबल्स क्या है इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली है. एग्जांपल वो कहता है कि दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज डैट, ये मैट्रिक्स गिवन है, और राइट इट इन टू लीनियर इक्वेशंस. हमने क्या किया है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये एचिलॉन फॉर्म में या रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म में उसकी बनाई हुई है हमने, ये किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का उसका एचिलॉन फॉर्म या फिर हम इसे रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं, ये हमने बनाई हुई है. तो वो ऑलरेडी गिवन है, उसकी फॉर्म जो है ऑलरेडी गिवन है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें समझना है कि बेसिक वेरिएबल क्या होता है और फ्री वेरिएबल क्या होता है. इसके लिए मैंने प्रीवियस जो हमारे स्टार्टिंग वाले लेक्चर थे उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होता है तो हम उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, हम उनको उनसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं. क्योंकि ये पूरा कॉलम किसका होता है, एक्स वन का, ये किसका, एक्स टू का, ये किसका, एक्स थ्री का, क्योंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इसका मतलब जो लास्ट कॉलम है, मोस्ट राइट कॉलम, राइट साइड वाला कॉलम जो है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है जो इक्वल के दूसरी साइड पे. तो मैं इससे जब इक्वेशंस बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह बनेगी. देखिए यहाँ वन था तो ये एक्स वन के साथ जो कोफिशियंट वन है वो वन लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स टू का जो फर्स्ट रो में कोफिशियंट वो जीरो है तो हम जीरो एक्स टू लिखा, ये इसका माइनस है तो माइनस एक्स थ्री इज इक्वल्स टू वन. इसी तरह सिमिलरली हमने इसको भी इस रो को भी जो है इससे भी इक्वेशन बना दी, इस रो से भी इक्वेशन बना दी, और उनको मैंने नाम दे दिए इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री. तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. तो जब मैं इक्वेशन वन को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास ये वाला तो बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई खाने के बाद ये तो खत्म हो जाएगा ना, जस्ट एक्स वन माइनस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल्स टू वन बचेगा, एक्स वन माइनस फाइव एक्स थ्री इज इक्वल्स टू वन बचा. अगर मैं फाइव एक्स थ्री को उस तरफ ले जाऊँ तो राइट साइड पे, तो ये वन प्लस फाइव एक्स थ्री बनेगा, तो एक्स वन इज इक्वल्स टू वन प्लस फाइव एक्स थ्री. सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन टू को भी सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वन का कोफिशियंट तो जीरो है, सारा जीरो हो जाएगा, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू फोर हमारे पास आएगा. एक्स थ्री को मैं इधर ले आऊँगा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स थ्री. तो एक्स टू की जो वैल्यू है वो क्या आई है, एक्स टू इज इक्वल्स टू फोर माइनस एक्स थ्री. तो और थर्ड जो कॉलम है उसमें सारे कोफिशियंट जीरो है, इट मीन्स जो एक्स वन की भी, एक्स वन भी किसी न किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है, एक्स टू भी है, लेकिन एक्स थ्री जो है उसकी नो इन्फॉर्मेशन, उसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कैसे फाइंड करेंगे. तो हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो हमारा एक्स वन है वो भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स थ्री के ऊपर, और एक्स टू है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स थ्री के ऊपर. तो हम यहाँ पर अगर मैं एक्स थ्री की वैल्यू अपनी तरफ से लेता हूँ जीरो, तो एक्स वन क्या होगा, वन आ जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पुट करने से फाइव जीरो जीरो, तो एक्स वन वन. इस तरह जब मैं एक्स थ्री यहाँ जीरो पुट करूँ तो एक्स टू क्या आएगा, फोर आ जाएगा. तो मतलब मैंने एक पार्टिकुलर वैल्यू अपनी तरफ से ली है एक्स थ्री की जीरो, तो एक सोल्यूशन आ गया. अगर मैं एक्स थ्री की कोई और वैल्यू लूंगा तो कोई और सोल्यूशन आ जाएगा. अगर मैं एक्स थ्री की कोई भी वैल्यू लूंगा, डिफरेंट वैल्यू लेता जाऊंगा, मेरे पास डिफरेंट सोल्यूशन आते जाएंगे. तो इट मीन्स जो एक्स थ्री है वो हमारा क्या है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे हम उससे चूज करें, वो फ्री फ्रीली कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो वो क्या है, फ्री वेरिएबल है. और जो वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं एक्स थ्री के ऊपर, मतलब जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है एक्स थ्री पे, क्योंकि हमने ये वन और फोर क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यूज एक्स थ्री जीरो पुट करने की वजह से है. इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स थ्री पे. अगर एक्स थ्री को चेंज करूंगा तो एक्स वन और एक्स टू भी चेंज होगा. तो ये यहाँ पर क्या है, बेसिक वेरिएबल. एक्स वन और एक्स टू क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स, और एक्स थ्री क्या होगा, फ्री वेरिएबल. यहाँ तक तो ये था, मैंने आपको बेसिक और वेरिएबल और फ्री वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया आपके माइंड में, ये होता क्या है. तो इससे आगे जो हमने इससे कॉन्सेप्ट लेना है वो ये है कि बेसिक जो वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स थ्री. तो इससे हमें क्या पता चला कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज
हम x3 की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और हर एक वैल्यू के लिए अलग सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ली है ना जीरो, आप यहाँ पे वन भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, थ्री भी, एंड ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। जितनी वैल्यूज डिफरेंट लेता जाऊँगा मेरे सोल्यूशन उतने डिफरेंट आते जाएंगे। इट मीन्स कि मेरे इस मैट्रिक्स के जो सोल्यूशन है वो क्या है, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिस्टम हैव इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन, सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और सिस्टम के जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं तो वो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो यहां से मैंने एक और मुझे कॉन्सेप्ट मिल गया कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी है। तो ये मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को मैंने ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको बेसिकली हम एक मेथड है इस सिस्टम को देखने के लिए कि क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी एक तरीका है बेसिक वेरिएबल या फ्री वेरिएबल के थ्रू। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। आगे मैंने एक और एग्जाम्पल ली है जिसको मैंने सॉल्व किया है। ये यहाँ तक आपको बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल है। इससे आगे हम चलते हैं जो कि ये सेम एग्जांपल है इसमें, लेकिन मैंने मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा ले लिया है। इसमें क्या है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम हुज ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स हैज बीन रिड्यूस टू 1, 6, 2, -5, -2, -4 एंड गिवन डैट द मैट्रिक्स ऑन योर स्क्रीन। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये इसकी ये एचीरोन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ है। किसी ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, उसके बाद उसकी रिड्यूस एचीरोन फॉर्म भी हमने गिवन है। मैंने खुद से लिख ली है कि ये इस मैट्रिक्स की क्या है, रिड्यूस एचीरोन फॉर्म है। आप इस मैट्रिक्स में बता भी सकते हैं पिवट भी, अगर हम पीछे वाला रिवाइज भी करें तो यहाँ पर ये पिवट है, यहाँ पर ये पिवट है और यहाँ पर ये पिवट है, ठीक है। तो हमने अगर रिड्यूस में कन्वर्ट करना होता है तो जहाँ जहाँ पिवट होता है बाकी सारे नंबरों क्या करना, जीरो करना होता है। इसको हमने जीरो करना होता है, इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा। तो उसके साथ साथ जो ये पिवट है इसको वन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो वही हमने काम किया कि ये तो ऑलरेडी नीचे जीरो था तो यहाँ पिवट था, तो पिवट के अलावा बाकी सारे इस कॉलम में क्या होंगे, जीरो, वो भी जीरो है। तो मैंने इसको यहाँ पे ये सिर्फ आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से हम वो भी पिवट वाला कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं कि पिवट कौन सा है और रिड्यूस को कैसे हमने कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया रिड्यूस एचिनोन फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा काम ये है कि हमने इससे सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने बताना है कि सिस्टम के सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिमिलरली जो हमने प्रीवियस जो है लेक्चर प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल की है उसमें। तो इससे जब इक्वेशन बनाऊंगा मैट्रिक्स की वो सिमिलर लाइक दैट इक्वेशन बनेगी, सेकंड रो से ये वाली इक्वेशन बनेगी, थर्ड रो से ये इक्वेशन बनेगी। ये बिल्कुल वही काम किया जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया, लेकिन यहाँ पे हमने मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो थोड़ा बड़ा ले लिया। तो यहाँ से मैं अब इक्वेशन थ्री को देखता हूँ, तो इक्वेशन थ्री में सारे वेरिएबल्स के साथ जीरो है लेकिन x5 जो है उसके साथ वन है, तो इसलिए वो x5 की तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। वो तो एक फिक्स वैल्यू आ गई, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, x5 इज इक्वल टू 7। लेकिन जब मैं इक्वेशन टू को देखता हूँ तो इक्वेशन टू में जो हमारे पास है x3 -4x4 इज इक्वल टू 5, बाकी सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वेशन वन मैंने पहले लिखी यहाँ पे, तो x1 + 6x2 + 3x4 ये आएगा और बाकी जीरो वाली जो है वो जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद खत्म हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर इन दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाऊँ, मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली इक्वेशन टू को भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, x3 - 4x4, तो ये हमारे पास x3 की जो 4x4 है जो ये दूसरी तरफ जाके 5 + 4x4 बन जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने ये काम कर लिया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ x5 तो हमारे पास कोई ना कोई उसका रिजल्ट कांस्टेंट है, लेकिन x1 की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे, x2 पे और x4 पे। सिमिलरली x3 की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x4 पे। इट मींस इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो वैल्यू जो फ्री वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं वो x4 है एंड x2 है, और क्योंकि इसमें भी x4 है तो ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे फ्री हैं जिनकी वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं।
और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो डिपेंड कर रहे हैं उनको हम, क्योंकि यहाँ पर बेसिक वेरिएबल कह रहे हैं वो x1 है और x3, x1 x3 एंड x5 ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल हैं। और x5 तो बेसिक वेरिएबल नहीं, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन हम इसको कह देते हैं बेसिक वेरिएबल। लेकिन जो प्री वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हम खुद से अज्यूम कर सकते हैं, और वो है x2 और x4। अब खुद से कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, खुद से हम कोई सी भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से ले सकते हैं, और हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन हमें ये मैट्रिक्स देगा, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन हमें ये मैट्रिक्स देगा। तो इसका मतलब है कि ये भी मैट्रिक्स के जो सोल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो मैं लिखूंगा सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बिकॉज अगर मैं x2 की वैल्यू अपनी तरफ से जीरो रखता हूँ, x4 की वैल्यू जीरो रखता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या होगा, x1 का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, और x3 का आंसर 5। अगर मैं x2 की 1 रखता हूँ, x4 की भी 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंट सोल्यूशन होगा। जब मैं x2 और 3 की वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस आते जाएंगे। इट मींस कि हमारा ये वाला सिस्टम क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। और जब कभी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं तो वो सिस्टम हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम तभी होता है या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो या फिर यूनिक सोल्यूशन हो। तो इसको समझने के लिए भी आप प्रीवियस लेक्चर में आप ऑलरेडी पढ़ के ही आए होंगे होपफुली, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पीछे वाले वीडियोस देख लें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पहले ही लेक्चर में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है सेकेंड लेक्चर में। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये मैंने ये उसी का ही प्री वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल के रिलेटेड ही था। तो इससे हम बता सकते हैं ये क्यों हमने पढ़ा है, इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि हम बता सकते हैं कि सिस्टम में जो है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो या फिर जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट तब होगा जब इस पोजीशन पे भी जीरो आ जाए, जहाँ पे ये हमारा लास्ट कॉलम पे 1 है ना, ये भी जीरो आ जाए, तो 0 इक्वल टू 7, तो 0 इक्वल टू 7 तो नहीं होता ना। इट मीन्स कि वो हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। उसके लिए फर्दर मैं आगे एक थ्योरम है, जब थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिटेल से करवा देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास लास्ट पेज आके हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो थ्योरम जो है वो मैंने जो हमने एग्जांपल सॉल्व की उसी से उसी का ही रिजल्ट है। तो इसके लिए थ्योरम की है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, कि क्या कब कब किसी सिस्टम का, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो कब वो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी होगा। क्योंकि सोल्यूशन जब एग्जिस्ट करता है दो ही कंडीशंस हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, या तो सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, और तीसरी कंडीशन है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है और यूनिक कब होता है, उसके लिए थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, अ लीनियर सिस्टम इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली, सॉरी यहां पर इफ आएगा, इफ एंड ओनली इफ द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट अ पिवट कॉलम, दैट इज इफ एंड ओनली इफ द एचिलॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज नो रो ऑफ द फॉर्म। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, समझना है। वो कह रहा है कि कोई भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मैट्रिक्स है, हमारे पास ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स है, जब उसका जो राइट मोस्ट सबसे राइट साइड वाला कॉलम, सबसे राइट साइड वाला कॉलम जो है वो अगर हमारे पास जो है राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द ऑर्गमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट अ पिवट कॉलम, वो पिवट कॉलम नहीं होगा, मतलब के वो पिवट कॉलम नहीं, एंड वाला जो राइट मोस्ट सबसे एंड वाला है वो पिवट कॉलम नहीं होना चाहिए, उससे पीछे वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको और मजीद समझने के लिए उसने एक जो लास्ट जो हमारे पास एक रो दे दी है, उसके तक मैट्रिक्स में कोई भी रो इस फॉर्म की नहीं होनी चाहिए। इस सारी कहानी को समझने के लिए जस्ट रफ सा एक आइडिया अपने माइंड में बिठा लें कि हमारे मैट्रिक्स में, हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें कोई भी रो इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि सारी एंट्री जीरो हो और एंड वाली एंट्री किसी रो में नॉन जीरो हो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब कभी ऐसा हो, जब कभी ऐसा हो उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद इस ऐसी कंडीशन जो होती है उसके बाद क्या है, इफ अ लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन द सॉल्यूशन सेट कंटेन्स एदर, जब हमारे पास लीनियर सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है तो उसके बाद क्या है कि सॉरी मैं आप एक चीज़ ऊपर मिस कर गया हूँ कि जब ऐसी रो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसी रो एग्जिस्ट नहीं करेगी तो तब हमेशा सॉल्यूशन क्या है एग्जिस्ट करता है, तब हमेशा सॉल्यूशन क्या है एग्जिस्ट करता है। जब किसी मैट्रिक्स में एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमें नज़र आए कि कोई ऐसी रो नहीं है मैट्रिक्स में कि जिसमें सारी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज जीरो हो लेकिन लास्ट एलिमेंट नॉन जीरो हो, अगर ऐसी ऐसा ऐसी रो हमारे मैट्रिक्स में नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो बात की बात है कि सोल्यूशन कौन सा वाला एग्जिस्ट करता है, यूनिक वाला या फिर इनफाइनाइट मैनी वाला, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ तक हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर ऐसी रो नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सेम लाइक एज ये ऐसी कोई रो हमारे मैट्रिक्स के अंदर आफ्टर जो है अपने मैट्रिक्स को रो रिडक्शन या एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखने के बाद देखें कि अगर ऐसी कोई रो बन रही है इसका मतलब हमारा सोल्यूशन उस सिस्टम का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ऐसी रो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ लें कि अगर ऐसी रो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा सिस्टम क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है कंसिस्टेंट है। अब बात आती है कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो यूनिक कब होगा और यूनिक कब होगा और इनफाइनाइट मैनी कब होगा, तो उसके लिए ये आगे मैंने जस्ट जो है वो सिंपल जो है वो लिख दिया कि इफ अ लीनियर सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो वो है लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कंसिस्टेंट किस तरह से कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए वो आगे लिखता है कि अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन देयर आर नो फ्री वेरिएबल, जब कभी हमारे मैट्रिक्स में कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा तो उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब कभी हमारे मैट्रिक्स में फ्री वेरिएबल होगा तो उसका क्या होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल थी प्रीवियस, तो इसमें क्या था, इसमें फ्री वेरिएबल था कौन सा x3, इसलिए क्या हुआ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे। तो सिमिलर जब कभी ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट ना कर रहा हो वो हमारे पास क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली ये आपको एक मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, इसकी एक एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। वैसे ये बहुत ही डायरेक्ट रफ सी और आपने ज़ुबानी बताना है कि क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये वाली कंडीशन जो है, ऐसा कोई रो है इसमें, जी हाँ लास्ट रो ऐसी है जिसमें सारी एलिमेंट जीरो हैं लेकिन लास्ट वाला कॉन्स्टेंट मीन्स इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ भी कोई नंबर होता तो इसका मतलब ये क्या होना था इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना था, वो बात की बात थी कि वो सोल्यूशन कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि क्या हमारे मैट्रिक्स में कोई फ्री वेरिएबल है या नहीं है। अगर हमारे मैट्रिक्स में फ्री वेरिएबल है तो इट मीन्स कि उसका सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन अगर हमारे मैट्रिक्स में फ्री वेरिएबल नहीं है तो हमारा उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये हमारा लेक्चर था, आपने इस लेक्चर को बहुत ही बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, बार बार समझना है और इसको ट्राई करना है। और फर्दर जो है मैं आपको इसकी जो आपने डायरेक्ट सी ले की बुक है वहाँ से इसके एग्जांपल्स आपने करनी है, आपने टॉपिक ढूंढ के इसकी एक्सरसाइजेस करनी है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हम कैसे करते हैं, बेसिक वेरिएबल क्या है, फ्री वेरिएबल क्या है, पिवट एलिमेंट क्या है, पिवट कॉलम क्या है, ये सब हमने इस लेक्चर में सीखा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब वीडियो के एंड पे अगर आपको समय लगी तो आप कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।